मैं आज जो जगह पे आए है, ये जगह पे 200 के ऊपर गिर गाय है जो ऐसा ही घूमते एक खुला जगह पे, और ये एक इको नेचुरल सिस्टम बिल्डअप हुआ है ये जगह पे। तो इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेंगे, कैसे ये डेयरी फार्म है, डेयरी फार्म के साथ कैसे ऑर्गेनिक खेती होते है, इसका प्लानिंग क्या है, कितना साल से ये स्टार्ट हुआ है, पूरा डिटेल्स आपको देंगे। और गिर के अंदर बहुत ऐसा नस्ल है जो बहुत लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो भी आपके पास आज वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो मेरे साथ है अनिरुद्ध भाई जो एक गिर फार्म मेंटेन करते हैं और बहुत दिन से ये फार्मिंग के साथ जुड़ा हुआ है, ये पूरा देखभाल इसने ही करते है। तो नमस्कार अनिरुद्ध भाई। नमस्कार, कैसे है आप? बस बढ़िया। तो आपका थोड़ा छोटा परिचय दे दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा नाम अनिरुद्ध छेंजलिया है, मैं काठियावाड़ का रहने वाला हूँ, सौराष्ट्र में। ओके। ऊना के पास जो जुड़वली गांव है उसमें मैं रहता हूँ। अच्छा। और यहाँ पे पूरा जो गौशाला का मैनेजमेंट है वो मैं देखता हूँ पूरा। अच्छा। যেকোনো ব্যবসা করার আগে অবশ্যই সেটা যাচাই করে নেবেন, কারণ প্রত্যেকটি ব্যবসা ঝুঁকি সাপেক্ষ। तो टोटल कितनी जगह के ऊपर ये फार्म है? ये अभी पूरा 80 बीघे में फैला हुआ है। 80 बीघा? हाँ। ओके। ये जगह पे जो हम लोग जो ये गाय देख रहे हैं, तो कितना गाय है अभी? अभी 225 गाय है यहाँ पे, छोटी बड़ी मिला के सभी। ओके। ये तो सब गिर ही देख रहे हैं। गिर के अंदर तो बहुत वैरायटी भी होते हैं। बहुत वैरायटी। तो अभी आपके फार्म में कितना वैरायटी गिर के अंदर? अभी 4 वैरायटी है इसमें। अच्छा, क्या नाम थोड़ा बता सकते हैं? एक जो काबरी बोलते हैं, ए वाली है जो गाय सफेद और लाल दिखती है। अच्छा अच्छा, इसका वो उसको काबरी बोलते हैं। ये काबरी है। ओके। और एक हमारे साथ जो है ये वो गिर लाइन है, गिर ब्लड लाइन है। गिर ब्लड लाइन है। ओके। और फिर एक जो होती है सुवर्ण कपिला होती है। हाँ। और एक लिलड़ी बोलते है, जो पूरी गाय सफेद रहती है और काले धब्बे रहते हैं, वो काबरी। अच्छा। लिलड़ी बोलते है। सुवर्ण कपिला कैसे देखते हैं? सुवर्ण कपिला है ये, इन सब में से अलग दिखेगी वो। अच्छा। उसका जो नाक का कलर है, सींग है, पग की खरी है, पूछड़े का रंग है, वो सभी गोल्डन कलर पे जाएगा। अच्छा अच्छा। बाकी जो गाय है उसमें पूरा काला रहेगा नाक उसका। अच्छा। ये 4 ब्रीड के अंतर कोई मिल्किंग का कोई डिफरेंट होता है या उसका स्वभाव का कोई डिफरेंट होता है? ना, मिल्किंग का तो कोई डिफरेंट नहीं होता है, लेकिन जो ये सुवर्ण कपिला बोलते है उसके जो दूध होता है उसमें सोने के कण पाए जाते हैं। अच्छा। ओके। इसलिए उसको सुवर्ण कपिला बोलते हैं। ओके। और दूसरा जो ब्रीड का नाम आप? वो लिलड़ी, वो तो गिर का जात है वो। ये ओरिजिनल ब्रीड है ना गिर में? ओरिजिनल ब्रीड। अच्छा, ओरिजिनल गिर कैसे मालूम पड़ेगा, कैसे पहचान पाएंगे? जो इसका जो कान होता है ना, वो बड़े बड़े रहते है, वो जो नीचे ऐसे झुक के पानी पिएगी ना तो इसका कान दोनों ऐसे एक जगह आ जाएगी, एक जगह के गले के नीचे ही आ जाएगी। अच्छा। ओके। दूसरा? ये शांत स्वभाव की है। अच्छा। आप उसके पास चले जाओ तो वो आपको कुछ नहीं करेगी वो। ओके। और थर्ड और कैसे पहचान सकते हैं? और ये जो खूंद बोलते हैं इसको, हम इसमें जो अब सूर्य नाड़ी है। अच्छा अच्छा। सूरज दादा के किरण यहाँ पे पड़ेगा, उसका असर सीधा दूध में होगा, इसलिए गाय का दूध थोड़ा पीला पड़ा रहेगा वो। अच्छा अच्छा अच्छा। ये ओरिजिनल गिर में ही पाया जाते हैं या दूसरा कोई ब्रीड में भी होते हैं? वो कांकरेज गाय होती है ना। हाँ, सफेद। हाँ। उसमें भी ऐसे ही होता है। ऐसा ही होता है। ओके। तो अभी इधर का जो फार्म है इसका इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा समझाएंगे, ये फार्म कैसे चल रहे है, इसका मकसद क्या है, कैसे वो डेवलप करेगा, ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन देंगे? अभी तो ये पूरा जो स्टार्ट किया है वो भी सेवा के माध्यम से ही शुरू किया है। Okay. और जो ये पूरा ग्रुप है कंस्ट्रक्शन का, उसमें 400 से भी ज्यादा परिवार है। अच्छा। तो सभी के घरों में चोखा दूध जाए। अभी क्या भेलसेल युक्त हो गया है सभी, तो ओरिजिनल दूध मिलेगा आपको और खाना भी बढ़िया रहेगा। ओके। तो ये टोटल 80 बीघा लैंड के अंदर कैसे पार्ट किया है ये थोड़ा बताएंगे, कहाँ कैसे काम हो रहा है? ये जो अभी 80 बीघा है इसमें से 10 बीघा तो आप काट लो, उसमें पूरा गौशाला है और वर्मी कंपोस्ट का शेड और जो गाय को सूखा चारा डालते हैं उसका पूरा गोडाउन है यहाँ पे। ओके।
वो 10 बीघा में वो है पूरा। फिर बाद में जो 70 बीघा बचा है उसमें से 20 बीघा का नेपियर है। ओके। फिर 10 बीघे में हम वो हल्दी लगाई है अभी। हर साल लगाते हैं वो तो। अच्छा। और थोड़ा बहुत साग भाजी रहता है ग्रुप के लिए। अच्छा। तो अभी कितना लेबर ये पूरा फार्म में काम करते हैं? अभी पूरा 50 लेबर है गौशाला और खेती बाड़ी का मिला के। अच्छा। और ये गौशाला में कितना है? गौशाला में 12 लोग है अभी। 12 लोग है। अच्छा। तो इधर जो गाय हम लोग देख रहे हैं, ये दूध देने वाला कैपेसिटी कितना है ये गाय में? अभी पर गाय का एवरेज रहता है 3 से 3.5 के बीच। 3 से 3.5 एक बार? हाँ, एक बार में। अच्छा। तो हाईएस्ट मिल्किंग कैपेसिटी जो गाय है वो कितना दूध देते हैं? वो पर टाइम का 8 लीटर देती है वो। 8 लीटर? अच्छा। तो 8 दुगना 16, मतलब 16 लीटर दिन में वो दे देती है। अच्छा। छोटा बड़ा मिला के कितना गाय है? अभी 225 गाय है यहाँ पे, छोटा बड़ा मिला के। अच्छा। अभी जो अब छोटा है कितना है? छोटा है वो 50 है। 50 है? 50 गाभिन गाय है। हाँ। और 50 दूध देने वाली है। अच्छा। और जो 55 है वो छोटे बछड़े जो गाय दूध देती है ना उसके। अच्छा। और अभी मेल कितना है इधर टोटल? मेल अभी 20 से 25 होगा। 20 से 25। ओके। तो अभी जो ये गाय का खाना आप खिला रहे, पर डे खाने में कितना खर्चा हो रहा है? 8 से 10 हजार तक रहेगा वो। 8 से 10 हजार पर डे? पर डे का। ओके। लेबर खर्च कॉस्टिंग मिला के? वो सभी मिला के। अच्छा। खाने का खर्चा, लेबर कॉस्टिंग, मैनेजमेंट कॉस्ट पूरा मिला के? पूरा मिला के। ओके। तो 2 टाइम मिला के कितना दूध हो रहा है अभी? 360 लीटर दूध हो रहा है अभी। 360 लीटर। ओके। तो ये दूध सेल कैसे कर रहे हैं आप? ये दूध पूरा ग्रुप में ही चला जाता है। 2 बंदे हमें रिक्शा वाले रखे हैं, वो पूरे अहमदाबाद में घूमते हैं और घर घर जाके सभी को दे आते हैं। अच्छा। तो कितना लीटर सेल, लीटर कितना पैसे में सेल? 100 रुपया लीटर। 100 रुपया लीटर। ओके। अच्छा। दूध लवा और कुछ बिजनेस है इसमें? दूध के अलावा अभी हम वर्मी कम्पोस्ट है और जो गाय का गौमूत्र है वो सेल करते हैं। अच्छा। गौमूत्र कौन खरीदते हैं? वो गौमूत्र तो जो कंपनी दवाई की कंपनी वाले होते हैं वो ले जाते हैं। अच्छा। कितने में लेते हैं वो? वो 1 लीटर का 10 रुपया चार्ज लेते हैं उसका। अच्छा। एक दिन में कितना लीटर हो रहे हैं अभी? एक दिन में 50 से 60 लीटर एकत्रित हो जाता है। अच्छा। 50 से 60 लीटर। और एक दिन में गोबर कितना हो रहा है ऐसा? 800-900 किलो से आसपास, 1 टन के आसपास। 1 टन के आसपास पर डे होगा? पर डे होगा। ओके। तो ये गोबर डायरेक्ट आप कोई किसी को सेल करते हैं? वर्मी कंपोस्ट बना के? ना, वर्मी कंपोस्ट ही बनाते हैं पूरा। अच्छा। वर्मी कंपोस्ट कितने में सेल होते हैं? वो 50 किलो का बैग 350 में जाता है। 50 किलो का बैग 350? 350 में। ओके। तो महीने में कैलकुलेट होगा तो गौमूत्र कितना सेल होते हैं यार, ये गोबर कितना सेल होते है खाद? गौमूत्र तो 17 से 18 हजार का होता है पर महीने में? पर महीने में। अच्छा। वर्मी कंपोस्ट का तो ऑर्डर के हिसाब से ही होगा। अच्छा। वो महीने हिसाब लगा ले तो कितना हो सर, कितना सेल होगा? वो 50 से 60 हजार तक रहेगा वो। 50 से 60 हजार उसमें रहेगा। और दूध, दूध से महीने में कितना आ रहे? दूध से महीने में आ रहे 9 लाख रुपया। 9 लाख रुपया दूध से आ रहे? दूध से आ रहे। ओके। तो मैनेजमेंट कैसे आप संभाल रहे हैं? मैनेजमेंट तो पूरा ये जो गाय है इसके ऊपर ही है, और जो साइड में है अभी वर्मी कंपोस्ट खाद उसकी इनकम से ही हो रहा है पूरा मैनेजमेंट। अच्छा। तो सुबह से शाम तक काम कैसे होते वो थोड़ा हमको दिखाएंगे आप? सुबह 3:30 बजे ये ग्वाले सभी उठ जाते हैं और गौशाला में से पूरा गोबर ले लेते हैं, गाय की जगह पूरी साफ कर देते हैं, फिर दूध निकालने के लिए बैठते हैं 4 बजे। अच्छा। 4 से 5:30 बजे तक दोहन का कार्यक्रम पूरा हो जाता है। दोहन हो जाने के बाद 6 बजे दूध यहाँ से पैकिंग करके डिलीवरी हो जाएगी। अच्छा। और पूरी गाय वहाँ पे जो खेत है ना बगल में वहीं पे चली जाएगी पूरी। ओके। और उसके बाद फिर 9 बजे से 11:30 बजे तक यहाँ रहेगी। ओके। 11:30 बजे से यहाँ उठ के गौशाला में चली जाएगी। अच्छा। घूमने के लिए आएगा? हाँ, यहाँ पे अभी घूमने के लिए और खाने के लिए। अच्छा। तो 11 बजे उधर चले जाएगी। उसके बाद उसका काम क्या था? वहाँ पे चारा तैयार होगा,
कमले में डाला हुआ। ओके। वो वहाँ पे खा के 3 बजे तक आराम करेगी, वो वागोल करेगी मुंह में रख के। और उसके बाद? उसके बाद फिर से 4 बजे से दोहन का कार्यक्रम फिर से शुरू। 4 बजे से कितने बजे तक? 5:30। 5:30 दोनों सुबह शाम एक ही टाइम है। अच्छा, उसके बाद क्या काम रहता है? उसके बाद गाय को फिर से चारा डालते हैं। फिर से चारा डालते हैं शाम का। अच्छा, टाइम कितना रहता है? वो 5:30 से 6 बजे तक। 6 बजे तक। उसके बाद कुछ काम रहता है? उसके बाद गाय फिर घूमती है खाना खाने के बाद। कहाँ घूमते है? उस जगह पे घूमते हैं, अंदर गौशाला में, पूरा जगह खाली है ना। अच्छा, वहाँ पे। ओके। तो उसके वो बाहर में रहते हैं रात में, या कोई अंदर कोई शेर है उसके अंदर? ना, शेर के अंदर ही रहती है वो। शेर के अंदर रहते हैं। अच्छा, तो शेड में किस टाइम जाते हैं? शाम में? शाम में तो अभी दोपहर के बाद पूरा शेड में ही रहती है। अच्छा, शेड में रहती है, कल सुबह तक रहेगी वो। ओके। और तो फार्म का लेबर किस टाइम चले जाएगा घर? लेबर 6:00 बजे 6 बजे चले जाएगा। आज शाम में 3 बजे आते हैं। दोपहर में घर जाते हैं या दोपहर में? वो यहाँ पे पूरी सुविधा करी हुई है उसकी। अच्छा, खाना पीना रहना ये पूरा बंदोबस्त इधर ही? बंदोबस्त इधर ही। तो कितना साल हुआ है अभी तक? अभी 3.5 साल हुए। 3.5 साल हुआ है। तो अभी प्रॉफिट में रन कर रहे हैं? ना, प्रॉफिट में रन नहीं कर रही है अभी। अच्छा, अभी 3-4 साल लगेगा उसमें। और भी 3-4 साल लगेगा। तो टारगेट क्या है? टारगेट 700-800 गाय का है। 700-800 गाय का, उससे ज्यादा भी होगा तो भी चलेगा। अच्छा अच्छा, तो इधर जो जगह है वो 800 गाय रखने का जगह है? इधर कैपेसिटी है, कैपेसिटी है, खाना देने का पूरा कैपेसिटी, पूरा 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 कैपेसिटी। ओके ओके। तो आप खबर का एक चार्ट बता सकते हैं, इसको पर डे किस टाइप का खाना देते हैं आप? कौन सा वैरायटी रहता है खाने में पर डे? उसको एक टाइम लीला चारा और एक टाइम सूखा चारा देते हैं। अच्छा, उसमें क्या क्या? उसमें लीले चारे में अभी नेपियर है, मकाई है, ज्वार है, और रचका और झिंझवा, ये सभी अलग अलग वेरायटी है उसमें हरे चारे में। और सूखे चारे में 2 वेरायटी है, ज्वार का, सूखी ज्वार, और जो मूंगफली का चारा होता है। हाँ, वो। ओके। शाम को सूखा डालते हैं, अभी दोपहर को हरा चारा डालते हैं। अच्छा, और जो अब दाना खिला रहे हैं उसमें क्या रहता है? उसमें कपासिया रहता है, अड़द चुनी, तुवेर चुनी, गम गवार और मक्का। अच्छा, तो ओ ये डायरेक्ट खिला देते हैं या ना, पैलेट निकालते हैं उसका? पैलेट निकालते हैं, पैलेट निकाल के देते हैं। ओके। तो कितना कितना एक दिन में कितना देते हैं आप? ये जो दूध देने वाली गाय है उसको दूध के हिसाब से देते हैं। अच्छा। अभी 1 लीटर है, 400 ग्राम देते हैं उसको, लीटर के हिसाब से। और 400 ग्राम 100 ग्राम उसके बॉडी मेंटेन के लिए। अच्छा, मतलब 500 पर लीटर। पर लीटर में तो जो जितना दे रहे दूध उतना आप इसमें वो दाना खिला रहे, फीड ऐड करते हैं। अच्छा, और वो सूखा चारा हरा चारा मिला के कितना? वो अभी पर गाय 30 से 35 केजी तक। वो दो मिला के ना? एक टाइम का। अच्छा, एक टाइम का। अच्छा, मतलब वो सूखा और हरा मिला के? ना, सूखा और हरा मिला के 30 से 35। 30 से 35। ओके। पर डे टोटल ये फार्म में कितना खाना जा रहे, कितना किलो व कितना टन खाना जा रहे? अभी 2 से 2.5 टन जाएगा उसमें। 2 से 2.5 टन। अच्छा, मतलब वो दाना या पर डे का पूरा? हाँ, चारा जाएगा। चारा जाएगा। और दाना कितना जाएगा पर डे? दाना तो अभी 300 किलो के आसपास जाएगा वो। 300 किलो के आसपास पर डे? पर डे। ओके। अच्छा, इतना गाय एक जगह पे है तो उसका तो असर थोड़ा खराब भी हो सकता है, तबीयत थोड़ा खराब हो सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देंगे, वो कैसे आप देखभाल करते हैं? अभी जो दूध दोहने का टाइम होता है ना, हाँ, तभी गाय का दूध कम आता है। हाँ, वो ग्वाले हमको बता देते है। अच्छा। इस गाय को ये प्रॉब्लम हुआ है, खाना नहीं खा रही है, टेम्परेचर है, तो वो उनको पता चल जाएगा। ओके। और वहाँ पे हम दूध की एंट्री पूरी करते हैं, और वहाँ पे लैपटॉप में पूरा एक्सेल में पूरा एग्जामिन करते हैं। जो गाय का दूध कम आएगा वो ग्वाले नहीं बताते, तो हमको वहाँ से पता चल जाता। तो आप प्लान कैसे करेंगे? ये इस गाय का कम है, उस गाय का कम है, उसका अलग अलग नाम है? सभी का पर्टिकुलर नाम लिखा हुआ है। अच्छा। उसी में पूरा मेंटेन करते हैं। अच्छा, जो गाय का जितना दूध हुआ है वो गाय के साथ वो नाम
रहेगा वो उसके अंदर पूरे पूरे महीने का और पूरे साल का एंट्री आप उसमें देख सकते हैं। अच्छा, वो प्रेग्नेंट हुआ है या नहीं हुआ है, पूरा पूरा हिसाब, वो पूरा डेटा भी रहेगा उसमें। अच्छा, तो दूध कम देगी तो कोई दिक्कत हो रही है, इसके वजह से उसका ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा, ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर है। डॉक्टर है। अच्छा, अभी तक ये 3 साल में किस किस का बीमारी आप देखे गाय के अंदर? गाय के अंदर एक जो खरवा मोवा है। अच्छा, फिर जो पेट फूल जाता है, आफरी चढ़ जाता है उसको बोलते हैं, वो बीमारी है। फिर पग लंगड़ा के चलती है, जुखाम सर्दी की बीमारी है। अगर कोई गाय ने प्लास्टिक या लोखंड भी खा लिया होगा ना, ये बीमारी भी हमने देखी है। अच्छा अच्छा, उससे पेट पेट के अंदर दर्द होता है? पेट के अंदर से दर्द होता है और वो क्या होती है, धीरे धीरे सुकुड़ने लगती है। अच्छा, उसकी हड्डियां दिखने लगती है। ओके, तो आपका गाय तो बहुत सुस्त है, इधर जो देख रहे हैं बहुत कलर भी बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छा है, ये मेंटेन अब कैसे करते हैं ये इसको? अगर कोई भी गाय को जरा सी भी तकलीफ होगी ना, उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी। खाना नहीं खा रही है, उसको भी ट्रीटमेंट हो जाएगी। अच्छा, तो कोई ये फार्म देखना पसंद चाहेगा, आना चाहेगा, तो कैसे आ पाएगा, थोड़ा इन्फॉर्मेशन देंगे? अगर आना चाहे तो कोई भी आ सकता है। ये अपना जो 19 सर्कल है रिंग रोड, वहाँ से 6 किलोमीटर दूरी है। अच्छा, अहमदाबाद स्टेशन से कितना दूर है ये? अहमदाबाद स्टेशन से 22 किलोमीटर दूर है। 22 किलोमीटर दूर है। ओके, तो डायरेक्ट आने का बंदोबस्त है इधर? अहमदाबाद से ओला उबर मिल जाते हैं, गाड़ी भी आते है? हाँ, पूरा आता है। ओके, तो कोई मन के चलिए कोई गाय खरीदना चाहते हैं ऐसा कुछ ब्रीड का, ओरिजिनल ब्रीड का, क्योंकि वेस्ट बंगाल में ऐसा ब्रीड नहीं मिलते है, तो कोई खरीदना चाहती है वो आपसे इधर से ले पाएगा? ना, इधर से बेचने का काम तो नहीं करते है। हाँ, फिर हमारी जान पहचान होती है, वहाँ से हम उसको दिलवा सकते है। अच्छा, जो आपका पहचान वाला है उससे दिला सकते हैं? उससे दिलवा सकते हैं। ओके, और बहुत लोग है जो A2 घी खरीदना चाहते हैं या ओरिजिनल कोई दूध लेना चाहते हैं, तो वो भी मिल पाएगा? हाँ, वो मिल जाएगा, इधर से मिल जाएगा। मिल जाएगा। कितना किलो आप घी सेल कर रहे हैं? घी 2500 रुपया किलो। 2500 रुपया किलो? किलो। अच्छा, तो घी क्या किससे बनाते हैं आप? वलोना से। अच्छा, ओके, दही बना के उससे घी होते हैं? दही बना के फिर बाद में वलोना मशीन के अंदर डाल के वो उसको छाछ और घी मक्खन, हाँ हाँ हाँ, वो दोनों अलग हो जाते हैं। ओके, फिर मक्खन को उबाल लेते हैं, उससे घी हो जाता है? उससे घी हो जाता है। ओके, कितना साल रख सकते हैं घी? घी तो वैलिडिटी है, कितने भी साल यूज करो आप, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, खराब नहीं होगा। ओके ओके, तो ये एड्रेस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे देंगे, इसका फ़ोन नंबर भी, फार्म का फ़ोन नंबर भी रहेगा, तो कोई आना चाहते कांटेक्ट करना चाहते वो भी कर सकते। बहुत अच्छा एक फार्म है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगा। ऐसे फार्म करेंगे तो प्लानिंग सोच के करना चाहिए, बहुत दिन का एक प्लानिंग, 1-2 साल का प्लानिंग नहीं, मिनिमम 10 साल का एक प्लानिंग बना के एक फार्म बनाना चाहिए, ताकि वो प्रॉफिट में आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये आप सोच के फार्म कीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा। ड्रोन से बहुत चीज़ या देखे जो आँखों में देखने में दिक्कत होती है, तो ड्रोन से पता चलता है कैसा ये फार्म। तो मैं आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट ऐसा कोई वीडियो हम लोग लाएंगे, ऐसा कुछ फार्म आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा, नॉलेज भी मिलेगा। तो वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नया कुछ टॉपिक लेके आएंगे। तो अब तक आप सब सुस्त रहे, अच्छा रहे, बाय।